आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस में लिपटी हुई ऋतुस्नान किए बिना इस भरी कुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे आज क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ गुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए क्या आपने केवल गुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या गुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं है? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को पृष्ठों से मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, देखिए मेरी ओर। मैं गुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूं। देखिए मेरी ओर, देखिए कि आपकी कुलवधू किस दशा में खींच कर यहां लाई गई है और मुझसे कहिए कि भरतवंशियों की क्या यही परंपरा है। आपके मुंह से ये सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी। मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में लोग अपनी कुलवधू के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मर मिटते हैं, परंतु हर परिवार की अपनी परंपरा होती है। कृपया मुझे भरत वंशों की परंपरा बताइए, मेरी ओर देखिए पितामह। जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तो आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए, देखिए पितामह, अपने उस आशीर्वाद की दशा देखिए। आपके सामने यह अधर्म हुआ और आपने इसे सहन किया, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं है क्या आपने इस कपट, इस अन्याय, इस अधर्म को स्वीकार किया? क्या आप भी मेरे इस अपमान की भागीदार नहीं है? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष और छेद दीजिए उस जीव को जिसे आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। पाप के वृक्ष की छाया में बैठे हैं पितामह, उठ जाइए, उठ जाइए। आपको तो शास्त्रों का ज्ञान है पितामह, मुझे बताइए जो व्यक्ति स्वयं अपने को जुए में हार चुका है वो कौन होता है? किसी और की स्वतंत्रता, किसी और के आत्मसम्मान को दांव पर लगाने वाला? मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, और आपका ये लज्जित मौन मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रश्न केवल द्रौपदी नहीं कर रही है, ये प्रश्न कर रही है नारी जाति, ये प्रश्न कर रही है पृथ्वी जो हर प्राणी की माँ है, ये प्रश्न कर रहा है इस देश का भविष्य जिसे आपके पूर्वज चक्रवर्ती महाराज भरत से अपना नाम मिला है। मुझे मार्गदर्शन कराइए गंगा पुत्र भीष्म पितामह। पुत्री नहीं, मैं आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह, उस अपमान की बात कर रही हूँ जो पिघल कर आंसू बन के मेरे आंखों से बह रहा है। यदि पत्नी पति की संपत्ति होती है तो जब मेरे पति अपने को हारे उसके साथ मुझे भी हार गए तो फिर मैं दांव पर कैसे लगी? और यदि पत्नी पति की संपत्ति नहीं तो मेरे पति मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे दांव पर कैसे लगा सकते हैं? इस वंश की मर्यादा इस विषय में क्या कहती है? और कृपया मुझे पुत्र से संबोधित न कीजिए। यदि मैं भरत वंश की पुत्र नहीं होती तो आपने मेरा यह अपमान इस प्रकार चुपचाप कभी न सहन किया होता। मुझे कुलवधू कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इस सभा में खड़ी इस द्रौपदी को कुलवधू कहती हुई आपकी जीव लड़खड़ाती है या नहीं। पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए पितामह, उत्तर दीजिए। पितामह क्या उत्तर देंगे, ये तो स्वयं एक प्रश्न है। आपके प्रिय अनुज
पांडु के पुत्र वधु द्रौपदी आपको प्रणाम करती है। ज्येष्ठ पिताश्री, आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज अपनी सभा में अपनी पुत्र वधु की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। मुझसे कुछ न कहो पुत्री, कुछ न कहो। युधिष्ठिर ने मुझसे तुम्हें हारने की आज्ञा ली थी और ना ही दुर्योधन ने जीतने से पहले तुम्हें जीतने की। अपना यह प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ, जिसने तुम्हें दांव पर लगाकर भरत वंश की मर्यादा को भंग किया है। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु उनके पास अपना प्रश्न ले जाने से पहले मैं अपने पिता के मित्र द्रोणाचार्य को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिनके लिए भी मेरे पास एक प्रश्न है। आपने काकाशिविदु द्वारा यही संदेश भेजा था ना कि द्रुपद पुत्री होने के नाते मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडवों की पत्नी होने के नाते आपकी पुत्र वधु। तो आज इस सभा में पुत्री के नाते आपका चरण स्पर्श करो या पुत्र वधु के नाते? आपने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। कुलगुरु कृपाचार्य, काकाश्री, महात्मा विदुर की नीति इस विषय में क्या कहती है? आप तो कड़वे सच बोलने के लिए प्रसिद्ध है, आप तो चुप में रही है। क्या किसी पति को अधिकार है वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? क्या किसी दास को अधिकार है कि वो किसी और की स्वाधीनता को दांव पर लगा दे? भाभी श्री ठीक कह रही है। जो बोलता है उसे बोल लेने दो भांजे, जो होना था सो तो हो ही गया। प्रिय युधिष्ठिर तो द्रौपदी को हार ही चुके हैं। ये होते कौन है मुझे हारने वाले? यदि इन्हें अपने पति को हारने का अधिकार हो भी, तो भी मैं केवल इनकी पत्नी तो नहीं हूँ। मैं पांचों पांडव पुत्रों की पत्नी हूँ और मुझ पर केवल इनका अधिकार नहीं है। क्या उन्होंने दांव पर लगाने से पहले तुमसे यह पूछा था कि ये तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं या नहीं? क्या तुमने नहीं आज्ञा दी थी? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मीन बेधन करके मेरे स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, तुम बोलो, क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि ज्येष्ठ कुंतीपुत्र एक दिन मुझे दांव पर लगा दे? संसार में इनसे पहले भी जुआरी हो चुके हैं, पर किसी ने कभी अपने राकेल को भी दांव पर लगाया था? और तुम लोग अपने ब्याहता का दांव पर लग जाना देखते रह गए। धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर, धिक्कार है। आप पांचाली के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते भ्राताश्री? आप तो स्वयं धरती पर धर्म का चिन्ह हैं, महादेव की सौगंध। यदि आप न रहे होते तो मैं पांचाली को दांव पर लगाने वाले हाथों को वृक्ष की भांति जैसे उखाड़ के फेंक देता। आज जाके मेरी अभिलाषा पूरी हुई भांजे, कि पांडवों में फूट पड़ ही गई। जैसे दीमक बड़े बड़े वृक्षों को चार जाती है, जैसे रोग शरीर को खा जाता है, भाभी श्री के अपमान का ये रोग भी दीमक की भांति भरतवंश के वृक्ष को नष्ट कर देगा। और हम लोग जिस गरिमा की छाव में जी रहे हैं, ये रोग उस गरिमा को भी नष्ट कर देगा। पितामा, पिताश्री, काकाश्री, गुरुवर द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण,
भाभी श्री के प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ उत्तर आगे चलकर हस्तिनापुर के भाग्य या दुर्भाग्य के द्वार खोलेगा। और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, क्या एक पति को इसका अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? और यदि आज भी आप लोगों ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न किसी भी जन्म में आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको बार बार जन्म लेना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार तो सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की परिभाषा क्या है? क्या भी सच नहीं है पितामह कि पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य है? ये पांच तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र दुर्योधन की गोद में बैठ जाओ। पांच पतियों वाली तो तुम पहले ही से हो, तो छठे का हाथ पकड़ लेने में हानि क्या है? एक दिन मैं तुम्हें इस अपमान का दंड अवश्य दूंगा, कारण अवश्य दूंगा। हे चुप! मेरे मित्र से बात करने का साहस करता है, मैं तेरी जीभ काट लूंगा। इसे बोलने दो मित्र, नया नया दास हुआ है, धीरे धीरे सीख जाएगा। जो स्त्री पांच पांच पुरुषों के साथ रहती हो वो पत्नी नहीं, वेश्या होती है। और वैश्य का मान क्या और अपमान क्या? ये यहां नग्न भी लाई जाती तब भी अनुचित ना होता। बैठ जाओ, मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक वैश्य या दासी का मान क्या और अपमान क्या? दुशासन, मेरी इस दासी को नग्न कर दो। देखूं तो सही कि जिस दासी को मैंने जीता है वो लगती कैसी है। दुशासन, यदि तूने पांचाली के वस्त्र को हाथ भी लगाया तो क्षत्रिय गर्मा की सौगंध तेरे हाथ तोड़ दूंगा। फिर अपनी पांच पतियों वाली पत्नी से कहो कि अपने वस्त्र स्वयं उतार दे, और यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ेगा। चल उतार अपने वस्त्र। अरे उतार, इधर छाती कहाँ है? चल इधर, आ इधर, छोड़ दे मुझे। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा गिरधारे, हे कृष्ण। खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। Hey Krishna,
हे कृष्ण। खींच दुशासन। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। खींच दुशासन, खींच। हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। हे कृष्ण। हे कृष्ण। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण।